हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ हर्षा। वेलकम टू माय न्यू चैनल क्रिप्टो हिंदी। सो हाय गाइस, मेरा ऑलरेडी तेलुगु में एक चैनल है, क्रिप्टो तेलुगु है उसका नाम। सो मैंने सोचा उसमें कुछ ऐसा वीडियोस है जो हिंदी में अवेलेबल नहीं है, सो मैंने ये नया चैनल स्टार्ट किया। इसमें मैं क्रिप्टो रिलेटेड स्टफ के बारे में बात करूंगा, ओनली क्रिप्टो और बिटकॉइन ब्लॉकचेन के बारे में रहेगा। सो ये मेरा फर्स्ट वीडियो होगा। इस वीडियो में मैं इथेरियम 2.0 के बारे में बताने वाला हूँ। सो बेसिकली इथेरियम 2.0 क्या है, उसके वजह से आपको क्या बेनिफिट है, उसमें इन्वेस्ट किया तो प्राइस कितने जा सकते हैं, सो सब डिटेल्स मैं बताने वाला हूँ। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, ये मेरा नया चैनल है, सो आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहा होगा, तो सो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में कुछ डाउट्स है तो मेंशन कीजिए। सो लेट्स बिगिन द वीडियो गाइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इथेरियम 2.0 क्या है? सो उससे पहले मैं कुछ बैकग्राउंड बताने वाला हूँ। सो बहुत लोगों को कुछ कन्फ्यूजन है, ये बिटकॉइन फोर्क जैसा कुछ सेम चीज़ होने वाला है करके, बट ऐसा नहीं है गाइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं बिटकॉइन फोर क्या होता है वो एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद में इथेरियम 2.0 अपग्रेड कैसा होगा वो उसका दोनों डिफरेंसेस बताऊंगा। सो बिटकॉइन फोर्क एक्चुअली फोर्क ऐसा होता है कि बेसिकली बिटकॉइन का ब्लॉकचेन होगा। सो उसका फोर्क के टाइम में ये ब्लॉकचेन दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। सो फर्स्ट टाइम जैसा हुआ तो फर्स्ट टाइम बिटकॉइन एंड बिटकॉइन कैश फोर्क हुआ था। सो तब क्या होगा, ये प्रीवियस ब्लॉकचेन और उसका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री सब रहेगा, बट इधर से ये पर्टिकुलर फोर्क के बाद ये टू पार्ट्स में डिवाइड होगा सेम ब्लॉकचेन। सो इसमें टू कॉपीज रहेगा इधर से। सो फर्स्ट वाला बिटकॉइन होगा, उसके नीचे वाला हिस्सा बिटकॉइन कैश होगा। सो ये दोनों सेपरेट ब्लॉकचेन्स बनके इधर से कंटिन्यू होगा। सो बिटकॉइन फोर्क से पहले आपके पास अगर एक बिटकॉइन है तो वो दो बिटकॉइन हाफिंग फोर्क के बाद आपके पास एक बिटकॉइन होगा और एक बिटकॉइन कैश भी होगा। सो ये है नॉर्मली बिटकॉइन फोर्क का मीनिंग। सो अब बहुत लोगों का ये कन्फ्यूजन है, इथेरियम 2.0 भी ऐसे कुछ स्प्लिट होके इथेरियम होगा और इथेरियम 2.0 ऐसा टू होगा और आपके पास दो कॉइन्स रहेगा, एक इथेरियम कॉइन और एक इथेरियम 2.0 कॉइन, बट ऐसा नहीं होने वाला दोस्तों। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये कैसे होगा। सो इथेरियम 2.0 बेसिकली एक सॉफ्टवेयर अपग्रेड जैसा है। सो इसमें क्या होगा, आपको नॉर्मल ब्लॉकचेन रहेगा। सो एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम और एक नया ब्लॉकचेन सेपरेट स्टार्ट होगा, उसका हिस्ट्री सेम रहेगा, इथेरियम में जो भी ट्रांजेक्शन वो सब हुआ वो सब सेम रहेगा, बट ये दूसरा ब्लॉकचेन होगा विथ अपग्रेड। सो वो अपग्रेड क्या क्या होगा मैं वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा अभी थोड़ी देर में। सो इसमें इथेरियम 2.0 में ये कम्प्लीटली अलग ब्लॉकचेन होगा। सो अभी आपके पास इथेरियम है तो अगर इथेरियम 2.0 लॉन्च होने के बाद आपको इथेरियम ब्लॉकचेन से उस वो कन्वर्शन वैलेट एड्रेस रहेगा, उसको आपको इथेरियम भेजना होगा। सो उसके उसको भेजने के बाद आपको इथेरियम 2.0 ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपके वैलेट में। सो ये कंप्लीट अपग्रेड होगा गए। सो वंस आप इथेरियम को इथेरियम 2.0 में कन्वर्ट करने के बाद आप रिवर्स नहीं जा सकते। सो आप इथेरियम 2.0 को वापस इथेरियम में ब्लॉकचेन में भेज नहीं सकते। सो ये वन डायरेक्शनल अपग्रेड होगा। सो इसमें आपको वंस आपका इथेरियम 2.0 टोकन्स कन्वर्ट करने के बाद आपका नया ब्लॉकचेन में स्टार्ट होगा। सो अभी ऐसा होगा। सो ये बिटकॉइन फोर्क से कम्प्लीटली डिफरेंट है। सो आपको ये एक्सप्लेन किया मैं। सो अभी इथेरियम 2.0 में क्या अपग्रेड आने वाला है वो बताने वाला हूँ मैं। सो ये विटालिक का प्रेजेंटेशन मैंने एक देखा यूट्यूब में। सो उसमें से एक स्क्रीनशॉट लिया। सो एक्चुअली इथेरियम 2.0 एक ही दिन में अपग्रेड नहीं होने वाला है। सो एक फेज वाइज मैनर में लॉन्च होगा। सो फेज जीरो से स्टार्ट होगा। सो फेज जीरो में POS से स्टार्ट होगा। POS का मतलब होता है प्रूफ ऑफ स्टेक। सो मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। सो उसके बाद फेज वन होगा। सो फेज बेसिकली फेज जीरो अभी जून और जुलाई एंड में आएगा करके इंटीमेशन है, बट अभी तक एग्जैक्ट डेट नहीं बताया किसी ने। सो फेज वन होगा 2021 बिगिनिंग में। सो फेज टू फेज थ्री होगा 2021 एंड तक। सो फेज वन में प्रूफ ऑफ स्टेक अपग्रेड होगा। सो अभी बेसिकली वो अपग्रेड के लिए सब लोग वेट कर रहा है। सो ये प्रूफ ऑफ स्टेक की वजह से प्राइस बढ़ने का चांसेस है। सो वो भी एक्सप्लेन करूंगा। सो अभी बेसिकली हम लोग यहाँ पे है। सो फेज जीरो स्टार्ट होने वाला है। सो अभी स्टार्ट नहीं हो, उससे पहले का स्टार्टिंग में हम लोग वी आर हियर। सो अभी वंस टेस्टनेट इथेरियम 2.0 का टेस्टनेट भी लॉन्च हो गया। सो टेस्टनेट प्लेटफॉर्म में जाके आप प्रूफ ऑफ स्टेक कैसे काम करेगा नहीं है इथेरियम 2.2 ब्लॉकचेन वो भी चेक कर सकते टेस्टनेट कॉइन्स के साथ। सो वेबसाइट भी मैं दिखाऊंगा अभी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये इथेरियम और इथेरियम 2.0 में क्या अपग्रेड आने वाला है, बेसिक डिफरेंसेस क्या होगा वो एक्सप्लेन करूंगा।
सो देर टू मेजर डिफरेंसेज गाइज. सो फर्स्ट वन है ये शार्ड चेन्स. सो शार्ड चेन्स का मतलब एक्सप्लेन करूंगा अभी मैं. सो फर्स्ट अपग्रेड होगा शार्ड चेन्स. सो ये बहुत बढ़िया अपग्रेड होने वाला है इथेरियम ब्लॉकचेन में. बेसिकली हमारा ब्लॉकचेन एक ही ब्लॉकचेन रहेगा, पर करेंटली इथेरियम में एक ब्लॉकचेन है. उसमें आपको कुछ ट्रांजैक्शन, नया ट्रांजैक्शन, वो सब नया ब्लॉक में ऐड होके इसी ब्लॉक को कंटिन्यूएशन में ऐड होगा. सो इसके बाद जो भी ट्रांजेक्शन आएगा वो नेक्स्ट ब्लॉक में रहेगा, ऐसा नेक्स्ट ब्लॉक में रहेगा. सो ये थर्ड ब्लॉक माइन करने से पहले ये दोनों ब्लॉक्स माइन होना है जरूरी है. उसके बाद ही ये थर्ड ब्लॉक में जो भी ट्रांजेक्शन पेंडिंग है उसका माइनिंग होगा. सो इस टाइप ऑफ ब्लॉक चेन में, सिंगल ब्लॉक चेन में हमको ट्रांजेक्शन का डिले रहेगा. सो ट्रांजेक्शन के लिए टाइम भी ज़्यादा लगेगा. सो जो भी इथेरियम ब्लॉकचेन में डी एप्स बना रहे हो उसका एप्लीकेशन में इंटरेक्शंस के लिए भी ज़्यादा टाइम लेगा. सो अभी इस शार्डिंग चेन्स में क्या होगा, वंस इथेरियम 2.0 अपग्रेड होने के बाद ये सिंगल ब्लॉकचेन पैरेलल चेन्स में कन्वर्ट होगा. सो एज पर रिकॉर्ड 64 पैरेलल चेन्स बनेगा. सो अगर फर्स्ट ब्लॉक आएगा तो सो ये सेंटर चेन में ऐड होगा. सो नेक्स्ट ब्लॉक इसका बगल वाले में चेन. सो पैरेलल चेन्स में ऐड होते जाएगा. सो ट्रांजेक्शन्स डिले कम होते जाएगा. सो और ट्रांजेक्शन्स का स्पीड भी बढ़ेगा. सो ये इथेरियम का बेसिकली स्केलेबिलिटी इंक्रीज करेगा और परफॉर्मेंस भी इंक्रीज करेगा. सो ये मेजर अपग्रेड है शार्ड चेन्स का. सो इस अपग्रेड की वजह से टेक्निकल साइड ऑफ इथेरियम ब्लॉकचेन थोड़ा स्ट्रांग बनेगा. सो अभी सेकेंड डिफरेंस बताने वाला हूँ. सो ये बहुत प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट लाने वाला है. सो मैं ये मेन डिफरेंस है प्रूफ ऑफ स्टेक. सो प्रूफ ऑफ स्टेक का मतलब होता है आपको वैलेट में आपको इथेरियम टोकन्स होल्ड करना है. सो इथेरियम स्टेकिंग के लिए, वैलिडेशन बनने के लिए आपके पास एटलीस्ट 32 इथेरियम टोकन्स वैलेट में स्टोर करना है, तभी आपको प्रूफ ऑफ स्टेक करने के लिए इथेरियम वैलिडेटर बनने का चांस रहेगा. सो मिनिमम रिक्वायरमेंट 32 इथेरियम टोकन्स चाहिए. सो अभी करेंटली प्रूफ ऑफ वर्क में चल रहा है इथेरियम प्लेटफॉर्म. सो प्रूफ ऑफ वर्क मतलब आपको ग्राफिक कार्ड्स और माइनिंग हार्डवेयर इंस्टॉल करके उसको 24/7 रन करना है. सो तभी वो आपको ब्लॉक्स वैलिडेट करेगा. सो उसके एज ए रिवॉर्ड आपको इथेरियम माइन करके रिवॉर्ड मिलेगा. सो ये बेसिकली अभी प्रूफ ऑफ स्टेक में चल रहा है इथेरियम. सो सॉरी, प्रूफ ऑफ वर्क में चल रहा है करेंटली इथेरियम. सो वंस ये अभी इस प्रूफ ऑफ वर्क में एक ही डिसएडवांटेज है. सो बहुत पावर कंजम्पशन करेगा. सो इसमें मेरा ऑलरेडी इस इमेज में दिखा रहा है, ये मेरा माइनिंग रिग है 2017 का. सो तब लगभग अराउंड 1600 वाट्स का पावर कंजम्पशन कर रहा था मेरा माइनिंग रिग, 9 GPU माइनिंग रिग. अराउंड मुझे 10,000 रुपीस बिल आ रहा था लास्ट टाइम. सो जब मैं माइनिंग कर रहा था, सो बहुत कॉस्टली अफेयर है. सो अभी इसका वंस प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में कन्वर्ट होने के बाद आपको नॉर्मल एक सिस्टम रहना है. सो उस सिस्टम 24/7 रन करना है. सो आपके पास एटलीस्ट 32 इथेरियम टोकन्स रहना है और आप वो वैलिडेटर नोड इंस्टॉल करके उसमें 32 टोकन्स लॉक करके वो सिस्टम 24/7 रन करना होगा. सो उसके लिए ज़्यादा पावर कंजम्पशन नहीं रहेगा. सो पावर एफिशिएंट है ये न्यू इथेरियम 2.0. सो तब आपको इथेरियम लॉक करने की वजह से आपको इथेरियम रिवॉर्ड मिलेगा. सो एज ए इंटरेस्ट. सो वो कैलकुलेशन में बताऊंगा आपको. सो ये आपका प्राइस है. सो उसका ये इथेरियम स्टेकिंग का कैलकुलेटर है. सो इसमें अभी करेंटली 32 इथेरियम स्टेकिंग के लिए लॉक करने के बाद आपको ईयरली रिवॉर्ड 10.9% मिलेगा. सो इसका मतलब होगा आपको 32 इथेरियम के लिए कैलकुलेशन दिखाऊंगा, 32 इथेरियम मल्टीप्लाइड बाई 0.109. सो आज के हिसाब से आपको 32 इथेरियम स्टेक किया तो 1 ईयर के बाद आपको विद इन 1 ईयर रेंज में आपको 3.4 इथेरियम एज ए स्टेकिंग रिवॉर्ड मिलेगा. सो इन सिमिलर टू माइनिंग है, बट इसमें आपको थोड़ा पावर कंजम्पशन कम रहेगा. बट इंस्टेड ऑफ बाइंग ग्राफिक कार्ड्स, इसमें हम लोग इथेरियम बाय करके उसको होल्ड कर रहे हैं. सो ये स्टेकिंग का रिवॉर्ड है. सो ये इसका मेजर प्राइस इथेरियम का प्राइस के ऊपर बहुत इम्पैक्ट करने वाला है, क्योंकि सब लोग 32 इथेरियम एक्यूमुलेट करना स्टार्ट किया है. सो ये ट्विटर में देखा तो हम ये चैट है एक ग्लास नोड का. सो ये लोग का वेबसाइट में एक चैट बनाया है लोग. सो इसमें हम देख सकते हैं लास्ट 1.5 ईयर में उसका ये चैट ये बताएगा कि नंबर ऑफ वैलेट्स, इथेरियम वैलेट्स होल्डिंग मोर देन 32 इथेरियम इन द वैलेट. सो मतलब नंबर ऑफ कितने लोगों के पास ये 32 इथेरियम होल्ड कर रहा है, मतलब उसका अकाउंट बताएगा.
सो एक ग्राफ देखा तो अब लास्ट 1.5 ईयर से इसका काउंट बढ़ते जा रहा है कंटिन्यूसली, क्योंकि सब लोग 32 इथेरियम अक्यूमुलेट कर रहे हैं ताकि वंस इथेरियम 2.0 मेननेट लॉन्च होने के बाद वो वैलिडेटर नोड इंस्टॉल करके उसमें इथेरियम स्टेक करके उसका रेवेन्यू गेन करने के लिए पैसिव इनकम। सो ये आपको अभी टेस्ट करना है तो ये प्रिज्मा वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रखूंगा। सो ये और नॉर्मली टेस्ट नेट है, सो इसमें आप डमी इथेरियम मतलब टेस्ट नेट इथेरियम टोकन्स इसमें स्टेक करके आपको नॉर्मल इथेरियम एज ए रेवेन्यू गेन कर सकते हैं। सो इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं खाली टेस्ट नेट का इंस्ट्रक्शंस है कैसे इंस्टॉल करना, कैसे वैलिडेटर को सेटअप करना है वो सब। सो मैं जो वीडियो के बारे में बात कर रहा था वो वीडियो यही है। सो इसी में विटालिक का एक्चुअल वीडियो है, इसी में से मैं वो स्क्रीनशॉट्स लेके दिखाया आपको। सो अभी आपको समझ में आ गया। सो ऑलरेडी अभी आज के हिसाब से ऑलमोस्ट 1,16,351 मेंबर्स आर होल्डिंग 32 इथेरियम इन देयर वैलेट। सो इसका मतलब मल्टीप्लाई विथ 32 किया तो ऑलमोस्ट 3.7 मिलियन इथेरियम लॉक हो जाएगा। मतलब इतना लोग वंस इथेरियम वैलिडेटर लॉन्च होने के बाद इतना परसेंट हमारा इथेरियम सर्कुलेशन कम हो जाएगा। सो करेंटली 111 मिलियन इथेरियम करंट सर्कुलेटिंग सप्लाई में है। सो वो उसमें से 3.7 मतलब ऑलमोस्ट 3% ऑफ इथेरियम सर्कुलेटिंग सप्लाई कम हो जाएगा, मतलब वो वैलेट में लॉक हो जाएगा तो सर्कुलेशन में नहीं रहेगा। सो अभी लॉन्च भी नहीं हो, उससे पहले हमारे पास ऑलमोस्ट 3.7 मिलियन तक इथेरियम लॉक होने का चांसेस है। सो वंस इथेरियम मेननेट लॉन्च होने के बाद बहुत ऐसा लोग रहेगा जो 32 इथेरियम कलेक्ट करके उसको वैलेट में होल्ड करने के लिए सोचेगा। तब ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होने के बाद इसका सप्लाई सर्कुलेटिंग सप्लाई कम हो जाएगा, क्योंकि सब लोग वैलेट में 32 इथेरियम स्टॉक करके होल्ड करके लॉक कर रहे हैं। इसीलिए इसका इथेरियम का प्राइस इंक्रीज होने का बहुत चांसेस है। करेंटली हम देख लिया तो ऑल टाइम हाईएस्ट आके इथेरियम का प्राइस हुआ ऑल टाइम हाईएस्ट ऑन जनवरी 13 2018 $1,432। अभी इसके इथेरियम 2.0 अपग्रेड के बाद वो इथेरियम का ब्लॉकचेन परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगा और स्टेकिंग रिवॉर्ड भी रहेगा। ज़्यादा लोग स्टेकिंग करेगा डिमांड बढ़ेगा ऑब्वियसली इसका प्राइस इंक्रीज होगा। चांसेस है $1,000 भी टच होने का। लेट्स होप इथेरियम 2.0 लॉन्च होने के बाद देखते हैं। और एक चीज़ गाइस, आप लोग अभी भी एक्चुअली मेननेट नहीं लॉन्च हुआ फिर भी आपको स्टेकिंग करना है तो एक वेबसाइट है crypto.com वेबसाइट। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मेंशन करूंगा। इसमें आप लोग नॉर्मली वैलेट में इसको मिनिमम 1.2 इथेरियम होल्ड किया तो आपको 0.5% पर एनम इथेरियम एज ए इंटरेस्ट मिलेगा। ऑलरेडी अभी चाहिए तो इसमें कर सकते हैं। सेम इसी crypto.com वेबसाइट का एक मोबाइल एप्लीकेशन है उसका नाम भी crypto.com वैलेट ऐप। इसमें आपको होल्ड किया तो मिनिमम 3 मंथ्स के लिए होल्ड किया तो आपको इथेरियम में 4% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा। अभी आपके पास जो एक्स्ट्रा इथेरियम है वो इस वैलेट में आप ट्रांसफ़र करके इसमें होल्ड कर सकते हैं। आपका नॉर्मल ये प्राइस पम्प के लिए आप लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए जो भी कॉइन्स है वो इसमें स्टोर किया तो आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा उसमें। आपको इसमें अकाउंट क्रिएट करना है तो लिंक में मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा रेफरल लिंक रहेगा, उसको यूज़ कीजिए। आपको $50 रेफरल बोनस भी मिलेगा आपको मेरा लिंक यूज़ करने की वजह से। इसके बारे में crypto.com के बारे में और इसके स्टेकिंग के बारे में आपको सेपरेट वीडियो अलग वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। नेक्स्ट में एक crypto.com के बारे में भी एक अलग सा वीडियो बना के पोस्ट करूँगा। ये है गाइस आज का वीडियो इथेरियम 2.0 कंप्लीट डिटेल। मैं इस चैनल में कंटिन्यूसली वीडियोस पोस्ट करते रहूँगा। नेक्स्ट में एक बिगिनर सीरीज भी स्टार्ट करने वाला हूँ। इसमें बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन स्टॉक मार्केट से आप नया आए तो क्रिप्टो वर्ल्ड में उसका कंपैरिजन रहेगा। वो सब डिटेल्स मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वो सब डिटेल्स मिस नहीं करना है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में कुछ डाउट्स है तो मेंशन कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।